चंदन, आप देख रहे हैं जीके फांसी। हमारे चैनल पे आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसे कुछ ना कुछ हम वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पेटीएम, जैसे यूज़ करते हैं पेटीएम में, हम फंड कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके बारे में ही हमारा टॉपिक है। हम कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा इस चैनल का पहले नाम था टीसी पासवान, इसीलिए हमने इसको इसलिए रखा, नाम चेंज कर दिया, क्योंकि पहले मेरा टीसी पासवान था, तो सुनने में टीसी मतलब अजीब सा लगता था, इसके कारण मैंने जीके पास ही कर दिया है। तो इससे शॉर्ट फॉर्म हो गया, और मतलब चैनल का नाम भी अच्छा दिखता है, और मतलब नाम भी अच्छा लगता है सुनने में भी, बोलने में भी, जी के पास ही। तो फिर हमारा ये टॉपिक था कि पेटीएम में कैसे यूज करते हैं, कैसे लॉगिन होते हैं, कैसे उसको हम फंड ट्रांसफर करते हैं, कैसे बेनिफिशरी करते हैं, उसके बारे में ही हम बताएंगे आपको। चलिए फिर हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्क्रीन पे चलते हैं फिर। तो SBI IFC कोड, IFC बस आपको इधर बस होना है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, अभी स्टेट सेलेक्ट करना, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। अभी ये बोल रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा है गोंडा, गोंडा सेलेक्ट किया। अभी ब्रांच है हमारा, तो ब्रांच हमारा है ये नवाबगंज, नवाबगंज, तो इस पर हम टिक करेंगे। आ गया नवाबगंज, तो हम इधर करेंगे गेट इन डिटेल पे, सॉरी इस पर जाना फाइंड न्यू पे, फाइंड न्यू पे करेंगे। तो ये आ गया पूरा मेरा IFSC कोड है SBI N000588, हमारा IFSC कोड है, ब्रांच कोड नंबर, ब्रांच कोड है 2710020012, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नवाबगंज, शुगर फैक्ट्री, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, उत्तर प्रदेश, 27130704, गोंडा उत्तर प्रदेश, ब्रांच का नाम है नवाबगंज। तो ये हमने ऐसे ही निकाला है, आप भी ऐसे ही निकाल सकते हो गूगल पे सर्च करके। तो ये हो गया, तो हम अभी हम उसमें बेनिफिशरी करते हैं पेटीएम में। तो अब चलते हैं पेटीएम में, पेटीएम में हम आ गए हैं, पेटीएम ऑन हो गया। अभी हमको इसमें बेनिफिशरी करना है अदर अकाउंट पे, जिस पे मुझे भेजने का है न्यू अकाउंट, इसमें ऐड करेंगे, फिर ही हम अपना अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए UPI मनी ट्रांसफ़र में हम जाएंगे, इधर लिखा है एड न्यू, सेलेक्ट ए सेव अकाउंट, सेविड, सेलेक्ट ए सेविड अकाउंट, मतलब इसमें से एक कोई सेलेक्ट करो सेविंग अकाउंट, तो उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी मैं काफ़ी बेनिफिशरी करके रखा हूँ, तो इसमें से मुझे नहीं कोई चीज़ में भेजना है, मुझे न्यू ऐड करना है, तो मुझे ऐड न्यू पे जाएंगे। तो इसमें लिखा है इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो हम इसमें अकाउंट नंबर डालेंगे अपना। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कुछ डाल देता हूँ बेनिफिशरी होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चंदन पासवान, अकाउंट एडिट सक्सेसफुल। तो अभी मैं इस पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ बड़े ही आराम से। तो इसमें मैं आपको कम्प्लीटली अभी इसमें ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ ओनली 100, कैसे बताया आपको, कैसे आपने देखा, मतलब मैंने कैसे दिखाया वीडियो, आपने समझ गए होंगे कैसे आपको पेटीएम यूज़ करना है, कैसे फंड ट्रांसफ़र करना है, कैसे आपको बेनिफिशरी करना है।
तो इसी के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। आपको होपली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, आता है क्या कुछ अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, क्या कुछ भी मिस्टेक हुआ है, तो हमको ज़रूर बताना, कमेंट करना। और हमारे चैनल पर नए हैं या और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी ऐसा कोई जानकारी चाहिए पेटीएम से रिलेटेड या मोबाइल के रिलेटेड या अकाउंट बैंक उसके ऊपर बनाना वीडियो है, कुछ भी ऐसा कुछ भी जैसे आपको लगता है कि इसके बारे में जानकारी मैं अच्छे से दे पाऊँ या आपको ऐसा लगे कि मैं बना सकता हूँ बता सकता हूँ, तो हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।